जा रही है जल्दी से लाइने बहुत दो आइए सर 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 मिलिएगा भाई गाड़ी का टैन करो दिखाओ जरा फाइटर हाँ आर्टिकल सर दो दिखने चाहिए कट रहे हैं हाँ ओके कार होती है कार का रेक्स्ट्रा बार होता है अच्छा उतरो उतरो आइए मिलवाते हैं हम हमारी शो की नई हेयर स्टाइल ये देखिए इन्होंने डिजाइन किया है चलो वरना आपका डिजाइन खराब हो जाएगा गाड़ी आगे चलो सही है फ्रांस से मंगवाया था हां सिक्योर रखा था हां ग्रेट तो टाइट कर लो सिक्योर रखा जल रहा जल रहा जल रहा है सब निकाल के तरफ एंड वी आइए सब लोग अभी अभी जब तू सीन में खड़ा स्ट्रगल चल रही है स्ट्रगल अमिता स्ट्रगल थोड़ा मारो हाथ छुड़ाने की कोशिश करो कट विराम चलो इधर इधर हाँ
चलो अपने अपने घर से बताओ मेरे घर में आके तुमने मेरे बेटी के प्यार के ऊपर डाका क्यों डाला? इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। आपके जो चेहरे पे फ्लश आया है ना, ये मतलब कुछ बता रहा है कि वाकई तुम्हें प्यार हो गया। और किससे होगा? दादाजी से थोड़ी होगा, इनसे थोड़ी हो जाएगा, इनसे भी होगा, लेकिन दादाजी वाला। डायरेक्ट वीर से ही पूछना चाहूंगा, मेरी आप में एक क्वेश्चन है हमेशा से कि वीर और रिया जो है हमेशा प्यार करते थे एक दूसरे को, ऐसा मुझे लगता है, बचपन से प्यार करते थे एक दूसरे को, पसंद करते थे, और ठीक है कभी आई लव यू शव यू आया नहीं। अरे उनकी जोड़ी देख के तो लोग पूरे आपस में पूरे गांव में पूरे पिंड में बातें होती थी यार, ये दोनों 24 घंटे एक दूसरे के साथ घूमते, हाथ पकड़ के कभी खेतों में चले जाते हैं, गन्ने उठा के ले आते हैं। अच्छा ये अमेरिका वाले, इनको प्रॉब्लम है क्योंकि इनको वो कल्चर ही नहीं पता कि गन्ने के खेत में जाके गन्ने तोड़ के लाना चूसना अपने आप में एक एडवेंचर है, अपने आप में एक खूबसूरती, एक कल्चर है। ये क्या समझेंगे अमेरिका वाले? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछ जनता पूछना चाहती है, आपको क्या गन्ने के खेतों में बैठ के गन्ना चूसने का एक्सपीरियंस है? हाँ देखिए वीर साहब, मैं जाऊँगा ना गन्ने लेके, गन्ने लेने जाएंगे। ठीक है आप पंगे लेने तो नहीं जाएंगे? हाँ तो वीर साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है, इनसे एक ही बात बोलूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई और जैसे ही विदेशी अंग्रेजी मुर्गी आई तो आपने देसी तो नहीं बोलूंगा, एक घर की जो प्यारी सी खूबसूरत सी, अच्छा आपका कहने का मतलब क्या दिली दिल से देसी मुर्गी को ही चाहते हैं? इतनी जल्दी आके वो पंजाब के रंग में जिस तरीके से रंग गई है, उसका जो एक्टिंग था वो पता नहीं वापस चिता गया है। देखिए देसी तो है, लेकिन जहाँ तक रंग का सवाल है तो रंग तो तीनों का एक है। क्या आपने देसी स्टाइल में डकार मारना था पंजाबी स्टाइल में? आप देखो ये डकार भी मारेंगे तो इंग्लिश स्टाइल में कैसे, और बॉब आएगा तो बोलेंगे, और फिर जैसे पंजाबी स्टाइल मारा जाता डकार। हाँ दादाजी कैसे कैसे, हाँ तो ये आप कर सकती हैं? नहीं बन सकती है, अंग्रेजी मुर्गी कभी देसी नहीं बन सकती, हमने प्रूव कर दिया। हाँ तो वीर वापस विल कम बैक टू द पॉइंट, कि क्या ये ऐसा है कि घर में देसी मुर्गी को इग्नोर करके अंग्रेजी मुर्गी की तरफ ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है, और क्या ये थोड़े टाइम का ही है प्यार? आपको नंगा सच बताना पड़ेगा। नहीं हाँ हाँ क्या बोलना चाहिए आप बताए?
तुम्हारे साथ कट टू ट्रॉली शॉट। क्या बोल रहे हो? अरे दोस्ती बढ़ाई थी मैंने। लड़कियां सेंसिटिव होती हैं इन सब चीजों को लेकर, तुम्हें पता नहीं था? नहीं पता था। तो यू आर नॉट अ डीएनए, तुमने साबित कर दिया। मतलब सूट सलवार छोड़ के आप जीन्स पे चले गए। शूटिंग के बीच में ये अमरूद लाते हुए हमारे दादाजी। तो फाइनली हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। ये डिबेट को हम कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद या अगले एपिसोड में, जो कि पारस लेके आएंगे, पारस अरोड़ा, जो मेरे थैंक यू।